हाँ जी भैया। बेटा ये मेरी दो शर्टें हैं, इनको मशीन में डाल के धो देना। भैया मशीन खराब हो रखी है, मैं पता नहीं अपने कपड़े कैसे कैसे धोती हूँ, हाथ से कभी ऐसे कभी वैसे। आप एक काम करो, अपने कपड़े बाहर धुलवा लो, मेरे बस का नहीं है। ठीक है बेटा, मैं बाहर ही धुलवा लेता हूँ। आए बड़े कपड़े धुलवाने के लिए, और कुछ काम तो है नहीं, बस काम पे काम देते रहते हैं। अरे पायल बेटा। हाँ जी भैया। थोड़ी सी कड़ी दे दे, कड़ी खत्म हो गई। भैया कड़ी नहीं है। कड़ी नहीं है, कोई और सब्जी होगी? सब्जी कोई सी है ही नहीं। चलो ठीक है, अब ये बिना सब्जी के रोटी कैसे खाऊं? ऐसा करता हूँ, इनको नीचे गऊ माता को दे देता हूँ। पायल, पायल खाना लेके आओ मेरा। हाँ जी आई। ये लीजिए गर्मा गर्म कढ़ी। कढ़ी? कढ़ी थी तो तूने भैया को कैसे मना की? अगर मैं उन्हें मना ना करती ना तो तुम खाना नहीं खा पाते इस टाइम। अरे मैं खाना नहीं खा पाता तो कोई बात नहीं थी, मैं भूखा रह लेता, लेकिन तूने भैया को क्यों मना की? जिसके घर में रह रही है उसी के बारे में तो ऐसा सोचती है, ये तो सही नहीं कर रही। एहसान फरामोश। देखो इस टाइम मुझसे बकवास तो करो मत, खाना है तो खाओ वरना जाओ यहाँ से। नहीं खाना है खाना। ठीक। आए बड़े भैया वाले, भैया के चमचे बने फिरते हैं सारे। नहीं खाना मत खाओ, मुझे लग रही भूख, मैं तो खाऊंगी। टेस्टी है कढ़ी तो। कोई बात नहीं, नहीं खाना ना खाए, मैं तो खा ही रही हूँ। अरे आर्यन तुम यहाँ? अरे सोनिया तुम यहाँ कैसे? अरे यार मैं वही तो पूछ रही हूँ, तुम यहाँ कैसे? अच्छा ये सब छोड़ो, चलो मेरे पास में ही घर है, वहाँ बैठ के बात करते हैं। ठीक है चलो। और बताओ कैसे हो? बस सोनिया, वैसे कितने सालों बाद मिले ना। हाँ ये तो है। चलो आओ आर्यन। मम्मी देखो कौन आया। अरे आर्यन बेटा आया। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। आंटी जी आप यहाँ कब से आए? क्या करूँ बेटा, जब से सोनिया का पापा एक्सपायर हो गए तो फिर मैं गांव के सारा जो भी जमीन है अपना बेच गई और मैं यहाँ आ गई। मेरा वहाँ है ही कौन सोनिया के अलावा, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा आंटी जी चलो आप यहाँ आ गए, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। और हाँ सोनिया तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? अरे आर्यन तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारे भाई संजय से शादी करना चाहती थी, तुम्हारे भाई ने मना कर दिया, फिर मैं क्या करती, फिर मेरा शादी करने का मन भी नहीं हुआ, और फिर मम्मी अकेली थी, फिर मम्मी की वजह से मेरा शादी करने का मन नहीं हुआ कि मम्मी की देखभाल कौन करेगा। हाँ सोनिया ये भी तुम सही कह रही हो, वैसे किस्मत का खेल भी देखो, संजय भी बिल्कुल अकेला है आज। अकेला है?
मतलब उसकी तो शादी हो गई थी ना? हाँ सोनिया, शादी तो हो गई थी, लेकिन मेरी भाभी की डेथ हो गई। पर कैसे? बस जो ऊपर वाले को मंजूर था उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। आर्यन, ये तो बहुत बुरा हुआ संजय के साथ। हाँ सोनिया, मैं बस संजय भाई की फिक्र में लगा रहता हूँ, बहुत अकेले हो गए हैं वो। और मैं तो ये कहता हूँ सोनिया, शायद भगवान को यही मंजूर था, तुमने भी शादी नहीं करी और संजय भाई की भी वाइफ की डेथ हो गई, तो क्यों ना तुम और संजय भाई एक साथ शादी कर लो। आर्यन, तुम्हारी बात ठीक है और मैं शादी के लिए तैयार भी हूँ, क्या संजय इस बात के लिए मानेगा? सोनिया, तुम उस चीज़ की चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं संजय भाई को अपने आप मना लूँगा। हाँ बेटा सोनिया, आर्यन का कहना सही है, पर शुभ काम में देरी कैसा, हमारा भी यही मर्जी है, आप मान जाओ। हाँ सोनिया, चलो हम अभी के अभी चलते हैं। अभी? हाँ चलो ठीक है मम्मी, चलो आर्यन। अरे सोनिया। हाँ संजय, मैं। कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ सोनिया, तुम सुनाओ। संजय, मुझे आर्यन ने बताया कि तुम्हारी वाइफ एक्सपायर हो गई है, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। हाँ सोनिया, भगवान की यही मर्जी थी, उनके आगे किसकी चलती है। भैया सोनिया, तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ठीक है आर्यन, बातें करो। और सोनिया, घर ठीक है सब? हाँ सब ठीक है। पायल, जाओ जाके दो कप चाय बना दो। चाय? क्यों, कौन आया है? अरे वो ना भैया के बचपन की फ्रेंड सोनिया आई है, और मैं उसे भैया से शादी कराने के लिए मना कर लाया हूँ। तुम पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम हमारे खुशियों पर लात मार रहे हो आर्यन। मुझे पता था तू कुछ ऐसे ही कहेगी, लेकिन मैं तेरी एक नहीं सुनने वाला। मैंने तेरी भी हरकतें देख ली हैं, तू यहाँ क्या कर रही है भैया के साथ? आर्यन तुम पागल हो गए हो क्या? अगर उनकी शादी हो गई तो हमारा क्या होगा फिर? हमारा कुछ भी होगा, लेकिन मैं ऐसे भैया को अकेले नहीं देख सकता। मैं कुछ नहीं करने वाली। अच्छा कुछ नहीं करेगी, तो अपनी औकात भूल रही है। पायल जा, जाकर दो कप चाय बना दे। मैं नहीं बनाऊंगी, और मुझसे बदतमीजी मत करो ठीक है ना? अच्छा चिल्ला रही है, बदतमीजी बदतमीजी, तूने भी मेरी देखी कहाँ है? अभी तो मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, ठीक है तो ये तो बाद में बताऊंगा। आर्यन तुम्हें ठीक नहीं कर रहा मेरे साथ। ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा मैं बाद में बताऊंगा, मत बना चाय, मैं खुद बना लूंगा चाय। हाँ हाँ खुद ही कर लो काम अपना। रो संजय, याद है तुम्हें वो दिन जब हम साथ में खेला करते थे, स्कूल में पढ़ते थे, और मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती थी, करती थी नहीं करती हूँ आज भी। लेकिन सोनिया। लेकिन वेकिन कुछ नहीं भैया, सोनिया बिल्कुल सही कह रही है, जिंदगी बहुत बढ़िया भैया, अकेले नहीं कटेगी, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है भैया। तुम हाँ कर दो ना, कर लो ना सोनिया से शादी। हाँ संजय, हाँ कर दो ना। चलो ठीक है आर्यन, सोनिया जैसी तुम्हारी मर्जी। लो भैया चाय पियो इसी खुशी में, लो सोनिया। अरे आर्यन, पायल कहाँ है? चाय तुमने बनाई है कि? अरे छोड़ो भैया, तुम बस ये बताओ चाय बनी कैसी है? आर्यन चाय तो बहुत बढ़िया बनी है। बहुत अच्छी बनी है चाय। थैंक यू भैया।
आओ भैया। बैठिए भैया। चलिए चलो पायल अंदर। आखिर भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर ही दी। इतने लंबे इंतजार के बाद हम दोनों एक हो गए संजय। हाँ सोनिया, शायद भगवान को यही मंजूर था कि हम लोगों को दोबारा से फिर मिलाना। संजय अब तुम सारी चिंताएं छोड़ दो, क्योंकि मैं आ गई हूँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। हाँ सोनिया, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। ये लो भैया, ये घर की चाबियां हैं। अरे आर्यन, ये चाबी तो मैंने पायल को दी थी, तुम मुझे क्यों दे रहे हो? भैया हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं, हम इस घर में अब और नहीं रह सकते। अब भाभी आ गई है, ये चाबी आप भाभी को दे दीजिए, भाभी घर की सारी जिम्मेदारी संभालेंगे। घर छोड़ के जा रहे हो, लेकिन क्यों? भैया पायल इस घर में रहने लायक नहीं है, मैंने देख लिया इसका बर्ताव, मुझे सब पता है भैया इसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। और वैसे भी अब तो सोनिया भी आ गई है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, ये मेरे साथ अब एक किराए के मकान में रहेगी, यहाँ नहीं रहेगी। भैया आर्यन, तुम मुझे यहाँ इसलिए लेकर आए हो? तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, आई बात समझ में? मगर भाभी तुम्हें मैं कैसे बताऊँ, ये यहाँ पर रहने लायक नहीं है भाभी। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। आर्यन, छोटों का काम होता है गलती करना और बड़ों का काम होता है उनको माफ़ कर देना, और तू कौन है इतना बड़ा फैसला लेने वाला? सोनिया पायल को अंदर लेके जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन भैया समझने की कोशिश करो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम्हारे भैया सही कह रहे हैं आर्यन, चलो पायल अंदर। आर्यन तू अपने भाई को अकेला छोड़ के जा रहा था, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तू मुझे अब छोड़ के चला जाएगा? भैया मैं भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या करूं, उसकी हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और मैं अपने भाई के साथ ऐसा होता कभी नहीं देख सकता था, और मैंने सोचा अब तो भाभी भी आ गई, अब आपको हमारी क्या ज़रूरत। आर्यन तू मेरा छोटा भाई है, तू ऐसा कैसे सोच सकता है?